बीकानेर जिले के शोभासर के पास मोर्टार बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल हो गया। और वहीं आपको बता दें, सूचना पर वायुसेना के अधिकारी गण और साथ ही नाल पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्टार को अपने कब्जे में ले लिया। और अब हालांकि आपको बता दें, मोर्टार वायुसेना का नहीं बताया जा रहा है, वहीं इस बारे में अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर मोर्टार आया कहां से। संबंधित अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि इसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है और उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। आपको बता दें, बीकानेर के शोभासर में मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मच गया और उसके बाद सूचना पर वायुसेना के अधिकारीगण और साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवं संवाददाता किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। किशोर, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ये मोर्टार आखिर कहां से आया? सुबह एक मोर्टार मिला, जिसकी सूचना पे नाल थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी व एयरफोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और मोर्टार के बारे में जानकारी ली जा रही है। प्रथम दृष्टया मोर्टार संदिग्ध लग रहा है, लेकिन यहाँ एयरबेस का ट्रेनिंग क्षेत्र होने की वजह से लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं एयरबेस का कोई मोर्टार है जो पहले गिर गया हो। वर्तमान में जिंदा है, इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। डिफ्यूज करने के बाद इसकी जांच की जाएगी कि ये कहां से आया और कैसे इस क्षेत्र में पहुंचा। जी ज्योति, किशोर, इस पूरे मामले पे वायुसेना के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? वायुसेना के अधिकारी अभी बोलने से साइलेंट है। वहीं पुलिस के जवानों ने इसके बारे में बताया है कि ये मोर्टार की सुबह सूचना मिली, अभी तक जांच की जा रही है। जांच होने के बाद खुलासा हो पाएगा कि ये मोर्टार यहाँ आखिर कैसे पहुंचा और किसके माध्यम से आया और क्या है, किसका है, वो जांच का विषय और गहन जांच की जा रही है। शाम तक शायद खुलासा हो पाएगा। जी किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें अपडेट करते रहे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मोर्टार बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन अब जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि क्या ये, क्योंकि यहाँ पे वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर है, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहीं से ये मोर्टार बम गिरा होगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।